नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में अपने टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग, और इसी श्रेणी में आज अपन देखते हैं यूनेस्को के 6 किले, और शुरुआत करते हैं अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। ये अपना चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ के किले की बात करें, जैसा भी अपने फोटो में दिख रहा है, इसकी भव्यता शानदार है। इतना शानदार किला, इसीलिए इसे किलों का सिरमौर भी बोला जाता है, राजस्थान का गौरव भी बोला जाता है, किलों का तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है, दुर्गों का तीर्थ। ये अपन यहाँ पर बात करें तो ये विजय स्तंभ, और ये देखें तो कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो अपनी वीरता पराक्रम के लिए जाना जाता है, मेवाड़ के चित्तौड़ में स्थित शानदार। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अपन देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो अपने राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है, मतलब राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला, और एकमात्र ऐसा किला जिसके अंदर कृषि भी की जाती है, और इस किले की वीरता के बारे में इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पर राजस्थान के सर्वाधिक 3 शाखे भी हुए हैं। सर्वाधिक शाखों वाला किला चित्तौड़गढ़। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन नोट डाउन कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थिति तो अपने को नाम से ही स्थित तो क्लियर हो रही है कि ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसके कुछ उपनाम है वो अपन जान लेते हैं। उपनाम में से कई बार क्वेश्चन क्या है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, इसलिए अपने को इसके उपनाम क्या वो पता होना चाहिए। परीक्षा में ना भी पूछा जाए तो भी अपने को नॉलेज के लिए ये इसके उपनाम है वो तो अच्छे से पता होना चाहिए। इसको राजस्थान का गौरव बोला जाता है। राजस्थान का गौरव, क्योंकि इसने राजस्थान के गौरव के लिए, राजस्थान के स्वाभिमान और राजस्थान की स्वतंत्रता कायम करने के लिए अपना खूब बलिदान दिया था, इसलिए इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये किलों का सिरमौर है, जैसा आपने चित्र में देखा था, शानदार। इसके अंदर पानी का कुंड, विजय स्तंभ, अन्य बहुत सारी इमारतें अपनों ने देखा था। ये चित्र की बात करें तो अपनों ने देखा था विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ये मंदिर बने हुए हैं खूब। उसके बाद में इसके प्रवेश द्वार बने हुए हैं, ये जल का कुंड बना हुआ है, उसी के पास मंदिर बना हुआ है। और अगर अपन बात करें इसकी, अन्य नामों की, तो उसे दुर्गों का तीर्थ के नाम से जाना जाता है। दुर्गों का तीर्थ के साथ ये अपने राजस्थान इंडिया का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी माना जाता है। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, जैसे अपने राजस्थान की स्थिति की बात करें, अपन अगर राजस्थान का ऐसे मैप बनाते हैं अपन, तो जो चित्तौड़गढ़ की स्थिति है वो यहां पर है, और ये नीचे का स्थिति दक्षिण, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, तो ये दक्षिण का प्रवेश द्वार भी माना जाता है इसे, और इसका नाम खिजराबाद भी है। खिजराबाद का अपने को ध्यान रखना है, खिजराबाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उसमें जीतने के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम उसने बदलकर खिजराबाद रख दिया था। खिजराबाद ये ध्यान रखना अपने को, भाई अलाउद्दीन खिलजी। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसका नाम चित्रकूट दुर्ग भी है, क्योंकि यह चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसका नाम चित्रकूट दुर्ग भी है। इसके कुछ अन्य फैक्ट है वो अपन देख लेते हैं, जो अपने को ध्यान में रखने हैं अच्छे से। अभी अपनों ने बात करी थी ये चित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाता है, तो ये चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है, इसकी पहाड़ी का नाम चित्रकूट।
और पठार की बात करें अपन, पठार की बात करें तो ये मेसा के पठार पर स्थित है, चित्रकूट की पहाड़ी मेसा के पठार पर। मेसा के पठार पर। और इसकी आकृति की अपन बात करें तो आकृति इसकी वहेल मछली के समान है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति। वहेल मछली कितनी बड़ी मछली होती है, उसी के समान इसकी आकृति है और उसी के समान इसकी भव्यता है, क्योंकि यह सर्वाधिक बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला भी है। उसके अलावा इसकी भव्यता के लिए कहावत भी है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। निर्माण की बात करें अपन इसकी तो इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। इसके बाद में इसका पुनरुद्धार तो मेवाड़ के कई शासकों ने करवाया है, लेकिन निर्माण के बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था 7वीं सदी के अंदर, 7वीं सदी में। फिर अपन बात करते हैं अभी कहावत की, जो अपने ने बात कर रहे थे, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये चित्तौड़गढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर बात करें अपन इसके प्रवेश द्वार की, चित्तौड़गढ़ के प्रवेश द्वार की बात करें तो इसके अंदर कुल 7 प्रवेश द्वार हैं। सात प्रवेश द्वारों की बात करें तो सबसे पहले पार्डन होल, पार्डन पोल के बाद में बात करें तो अपन भैरव पोल, भैरव पोल के बाद में हनुमान पोल, हनुमान पोल के बाद में अपन देखें तो गणेश पोल और जोड़न पोल। छठा लक्ष्मण पोल और सातवां और आखिरी राम पोल। अपने को इनका क्रम याद नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं है, अपने को बस एक रफ आइडिया होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ के अंदर 7 पोल है और इनके क्रमशः ये नाम है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है, जो पांडन पोल है इसके ऊपर बाघ सिंह का स्मारक है, ये इम्पोर्टेंट है, बाघ सिंह का स्मारक। बाघ सिंह का स्मारक। उसके बाद में बात करें भैरव पोल और हनुमान पोल की, तो इनके ऊपर कल्लाजी राठौड़ और जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया की छतरी है या उनका स्मारक मान लो अपने। ये पूछा जा सकता है कि कल्ला राठौड़ का स्मारक, जैमल मेड़तिया का स्मारक किस पोल पर स्थित है, तो अपने को देखना है भैरव पोल हनुमान पोल के मध्य स्थित है। उसके बाद में बात करें अपन लास्ट में राम पोल की, तो राम पोल के ऊपर फत्ता सिसोदिया का स्मारक। फत्ता सिसोदिया अकबर के साथ युद्ध में बड़ी ही वीरता से लड़े थे। अकबर एक युवक की इतनी वीरता देखकर खूब प्रभावित हुए थे। पोल के बाद में बात करें अपन,
इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर रहे थे कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जिसके अंदर कृषि हो रही है, ये सब अपन नोट डाउन कर लेते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, या इसे ही अपन बोलते हैं आवासीय किला। फिर बात करें तो एकमात्र किला जिस पर कृषि होती है, जिसमें कृषि होती है, उसके बाद में उन्होंने बात करी थी इसकी वीरता और पराक्रम की। तो सर्वाधिक ताकि वाला किला, का वास्तव में क्या होता है, दो चीजों के मिलने से बनता है। जब पुरुष के द्वारा केसरिया किया जाता है और अपनी आन बान शान के लिए महिलाओं के द्वारा जौहर किया जाता है, इन दोनों के मिलने पर शाक्य का निर्माण होता है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। शाक्य बराबर केसरिया प्लस जौहर। केसरिया पुरुष के द्वारा किया जाता है और जौहर महिला के द्वारा। जब पुरुष अपने किले की रक्षा के लिए बाहर लड़ने के लिए जाता है और जब ऐसी संभावना होती है कि वहां से वापस आना नामुमकिन है, मतलब वहां पर जाएंगे तो अपनी शहादत निश्चित है। अब बात करें अपन, जैसे 1 लाख की सेना और सामने 1,000 सैनिक लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो 1 लाख में से वो कितने को मार पाएंगे, 10,000, 20,000, 30,000, इतने को मार पाएंगे। उनके मारते मारते उनको खुद को भी शहीद होना है। तो इस स्थिति के अंदर पुरुष को माना जाता है कि वो केसरिया करने के लिए निकला है और महिलाएं उनके पीछे जौहर, ताकि वो अपने स्वाभिमान की रक्षा कर पाए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक तीन शाखों की अपन बात करें तो जो सबसे पहले शाखा हुआ था 1303 में, 1303 में, इसके अंदर देखो केसरिया तो अपने किया गया था रावल रतन सिंह के द्वारा और जौहर किया गया था अपनी माता पद्मिनी के द्वारा। ये अपने को ध्यान में रखने हैं। 1303 के अंदर फर्स्ट शाखा हुआ था, उसके बाद में सेकंड शाखा 1534-35 में। उसके बाद में थर्ड शाखा है जो 1568 के अंदर अकबर के खिलाफ। ये बात करें तो अपन रावल रतन सिंह है, माता पद्मिनी द्वारा, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करें 1534-35 में चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे की बात करें तो ये हुआ था अपने केसरिया, केसरिया तो हुआ था बाघ सिंह के नेतृत्व में, जिन्हीं का अपनों ने भी पिछली स्लाइड में देखा था, फर्स्ट पोल पाडन पोल के ऊपर जिनका स्मारक बना हुआ है, बाघ सिंह के नेतृत्व में। वह जौहर हुआ था रानी कर्मावती के नेतृत्व में। रानी कर्मावती के नेतृत्व में इसमें क्या होता है, ये बाघ सिंह राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में लड़े थे। ये देवलिया के शासक थे प्रतापगढ़ में। बाघ सिंह जी जब उनकी मृत्यु हो गई थी और अपने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण हुआ था, तो बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया था और रानी कर्मावती ने जौहर किया था। बात करें अपन
1568 में, तो ये अकबर के खिलाफ किया गया था। इसके अंदर केसरिया तो किया था जैमल मेड़तिया ने, जो अपने मेवाड़ के राजा होते थे, जिनका मेवाड़ अकबर ने अपने अधीन कर लिया था, तो इन्होंने यहां पर शरण ली थी और स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपने शरण देने वाले की रक्षा करने के लिए इन्होंने केसरिया किया था, और इन्हीं की रानी फूल कंवर ने जौहर किया था। तो ये बात होगी अपने चाकों की। उसके बाद में बात करते हैं अपन यहां पर बनी हुई कुछ विशेष इमारतों की। मंदिर की बात करें तो यहां पर जो विशेष इमारतें बनी हुई है, इमारतों में अपन मान सकते हैं कि मंदिर सर्वाधिक बने हुए हैं यहां पर मेवाड़। मेवाड़ ऐसी मतलब राज्य है जो मानता है कि हम एकलिंग जी के दीवान हैं, तो यहाँ पर एकलिंग जी का मंदिर होना निश्चित है। वास्तविक एकलिंग जी का मंदिर अपने उदयपुर के अंदर कैलाशपुरी नामक एक स्थान है, वहां पर है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर भी एकलिंग जी का मंदिर है। एकलिंग जी के मंदिर के बाद बात करें तो यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर के बाद में बात करें अपन इंपॉर्टेंट मोक्कल का समिधेश्वर मंदिर। ये वास्तव में समिधेश्वर मंदिर था जिसका निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था 11वीं सदी के अंदर, लेकिन मोक्कल ने इसका पुनरुद्धार करवाया था, जिसके बाद में इसे मोक्कल का समिधेश्वर मंदिर है उसके नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा जा सकता है कि अपने समिधेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो अपन ये थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं कि परमार राजा भोज ने। इलेवेंथ सदी में। उसके बाद में अपन बात करें यहां पर तो मीरा मंदिर, मीरा मंदिर के बाद बात करें तो यहां पर कालिका माता मंदिर, उसके साथ अपन बात करें तो यहां पर तुलजा भवानी माता का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी की आराध्या देवी माना जाता है इन्हें, उनका मंदिर अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसके बाद में अपन बात करें तो श्रृंगार कमरी, जिसका निर्माण कोषाध्यक्ष वेलाग ने करवाया था अपने राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई है उनके लिए। उसके बाद में अपन बात करें यहां पर इमारतों की, तो संत रैदास की छतरी बनी हुई है। उसके बाद में जो कल्लाजी राठौर जैमल मेड़तिया की बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है, उसकी अपनों ने पोल है वहां पर बात कर ली। उसके बाद में यहाँ पर नवलखा बुर्ज और तोपखाना भी है। नवलखा बुर्ज और तोपखाना। इसके अलावा अगर अपन बात करें उत्तर दिशा में एक खिड़की है, उस खिड़की का नाम है लाखोटा बारी। ये अपने को अच्छे से ध्यान रखने हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, लाखोटा बारी किस दुर्ग में स्थित है? वास्तव में क्या ये उत्तर दिशा की एक खिड़की है इसका नाम है लाखोटा बारी।
ये पूछा जा जा सकता है, और पूछा भी गया कि क्वेश्चन है, इसलिए अपने को इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। लाखेटा बावरी, जब उन्होंने राजस्थान का, अगर अपन ऐसे मैप बनाते हैं राजस्थान का, यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, तो ऊपर से कोई भी आक्रमण होता था, जब यहाँ पर दिल्ली थी, दिल्ली से यहाँ पर कोई शासक होगा आक्रमण करेगा, तो उत्तर दिशा पर भी नजर रखने के लिए अपने को एक कैमरे की जरूरत थी। वो कैमरा खिड़की के रूम में यहाँ पर स्थित था, लाखोटा बारी। अब बात करें अपन प्रमुख इमारतें, जो दो प्रमुख इमारतें हैं, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ का वास्तविक नाम तो कीर्ति स्तंभ है, और जो कीर्ति स्तंभ है उसका वास्तविक नाम जैन कीर्ति स्तंभ। अब दोनों नाम सेम सेम होने के कारण एक का नाम, जिसका उपनाम है विजय स्तंभ, वो दिया गया, और दूसरा का नाम जैन कीर्ति स्तंभ है, वो लिखा गया। उनके बारे में अपन बात करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी परीक्षा में लगभग पूछा जा सकता है, क्योंकि जो अपना कीर्ति स्तंभ है वो अपने माध्यमिक शिक्षा का भी लोगो है, राजस्थान पुलिस का भी लोगो है, और वीर सावरकर का जो संगठन बनवाया हुआ था अभिनव भट्टाचार्य, उसका भी वो निशान लोगो रह चुका है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था सारंगपुर युद्ध की विजय के बाद में। तो ये इंपॉर्टेंट इमारतें हैं, ये भी अपन नोट डाउन कर लेते हैं। कीर्ति स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ, जो उन्होंने पहली स्लाइड के अंदर बात करी थी, कीर्ति स्तंभ है, इसी का नाम विजय स्तंभ है, जो कि सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। इसका डायग्राम है वो देखते हैं अपन, ये विजय स्तंभ। और अपनों ने जब चित्तौड़गढ़ का किला देखा था सबसे पहली स्लाइड के अंदर, उसके अंदर देखें तो ये विजय स्तंभ, उसके बाद में अपनों ने देखा था कीर्ति स्तंभ, ये छोटा, तो ये 9 मंजिला और ये 7 मंजिला, इसलिए अपने को थोड़ा सा कम दिख रहा, और ऊपर होता तो और अच्छे से दिखाई देता। तो अपन बात करते हैं विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ ये यहां से लेकर यहां तक 9 मंजिला है, नौ मंजिली इमारत। अब इसके अंदर, यहां से अपन अंदर जाते हैं तो अंदर से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो कुल सीढ़ी है वो 157 है। बात करते हैं अपन इसके अंदर 9 मंजिल, एक सौ सत्तावन सीढ़ियां, ये अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अपन बात करें तो ये यहां पर 8वीं प्रतिमा है, इसके ऊपर 8वीं जो मंजिल है इसके ऊपर कोई भी प्रतिमा नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके अपनों ने उपनाम देखेंगे ना, उसके अंदर ये ध्यान में रहेगा आपने कि इसको जब मूर्तियों का अजायब घर बोला जाता है, विश्व मूर्ति का कोष बोला जाता है, तो 8वीं मंजिल है, उसके ऊपर कोई मूर्ति नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, इसलिए अपने को ये ध्यान में रखना है। एट्थ मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं, उसके बाद में अपन बात करें तो यहां पर जो फिफ्थ है, फिफ्थ के ऊपर इसके वास्तुकारों के नाम लिखे हुए हैं, और जो इसके वास्तुकार थे उनके नाम है जेता, पुंजा, नापा, पोमा।
ये अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये जो थर्ड मंजिल है ना, इस थर्ड मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा गया है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है नीचे की, ये दो मंजिल है, इन मंजिल पर यहाँ पर प्रशस्ति लगी हुई है, विजय स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। उस प्रशस्ति कार के जो नाम है वो अत्रि भट्ट व महेश भट्ट। अत्रि भट्ट वह अत्रि भट्ट पिता थे, महेश भट्ट पुत्र थे। इन्होंने मिलकर अपना जो विजय स्तंभ है उसकी, ये कीर्ति स्तंभ जिसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है, उसकी प्रशस्ति को लिखा था। उसके बाद में अपन इसके कुछ विशेष उपनाम है, वो उपनाम अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है, ताकि जो अपनों ने ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखे है ना, वो अपने को ध्यान में रहेंगे। जो कीर्ति स्तंभ है इसका उपनाम, पहला सबसे पहला उपनाम की अगर अपन बात करें तो विजय स्तंभ, क्योंकि ये विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। विजय स्तंभ की बात करें तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसका नाम विष्णु स्तंभ भी है। और ये जीतने के उपलक्ष्य में बनाया गया था, जीतने को अंग्रेजी में बोलते हैं विक्ट्री, तो इसे विक्ट्री टावर का नाम भी दिया गया है। और विक्ट्री टावर अंग्रेजी नाम है, तो अवश्य किसी अंग्रेज के द्वारा दिया गया होगा, और अपने राजस्थान इतिहास के पितामह के रूप में जिसे जाना जाता है, कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने इसका नाम विक्ट्री टावर दिया है। विक्ट्री टावर के बाद में अगर अपन बात करें तो इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ इमारत कहा गया है। और ये भी कर्नल जेम्स टोड ने बोला है। उसके अलावा एक और विद्वान हुए हैं, फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन का मानना है कि ये जो विक्ट्री टावर है, विजय स्तंभ है, ये रोम में जो टार्जन टावर बना हुआ है उससे भी अद्भुत, उससे भी शानदार बना हुआ है। रोम के टार्जन टावर से भी शानदार, और ये किसने बोला है? फर्ग्यूसन ने। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण है जो महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने 1537 में सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, 1537 में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जब 1857 की क्रांति चल रही थी, उस समय एक भीषण मतलब बिजली गिरी थी अपने विजय स्तंभ के ऊपर ही। विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है ना, अपन बात करें इसकी, तो ये सबसे ऊपर की जो 9वीं मंजिल है, इसके ऊपर बिजली गिरी थी। बिजली गिरने से ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्षतिग्रस्त होने के बाद में जो 9वीं मंजिल है इसका पुनरुद्धार है ना, पुनरुद्धार अपने
महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। अठारह सौ सत्तावन में 9th मंजिल पर। बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त होने के कारण महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। उसके अलावा फैक्ट की अपने बात करें तो भारत सरकार के द्वारा इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है ये। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ भी अपन राजस्थान पुलिस का लोगो देखते हैं तो राजस्थान पुलिस का लोगो भी विजय स्तंभ है। उसके अलावा वीर सावरकर द्वारा एक संघ बनाया गया था। सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भट्टाचार्य का अभिनव भट्टाचार्य का भी ये लोगो है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने को अच्छे से ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कीर्ति स्तंभ की। कीर्ति स्तंभ जो अपनी कीर्ति के लिए विख्यात है, इसकी कुल अपने ऊपर से लेकर नीचे तक की जो मंजिल है 7 मंजिल बनी हुई है, ये अपने को ध्यान में रखना है। मंजिल 7 और ये है वास्तव में जैन कीर्ति स्तंभ। इसका निर्माण व्यापारी हुए हैं जिजाक, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। व्यापारी जिजाक द्वारा। अब व्यापारी जिजाक इसका निर्माण करवाए गए तो वो ये चाहेंगे कि मेरी वंश की जानकारी, मेरी जानकारी अवश्य ही लोगों तक पहुंचे। तो ये शुरू की जो दो मंजिला यहाँ पर प्रशस्ति लिखी हुई है तो इस प्रशस्ति से जिजाक वंश की जानकारी मिलती है। कीर्ति स्तंभ पर फर्स्ट सेकंड मंजिल की प्रशस्ति से जिजाक वंश की जानकारी। और ये समर्पित, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये समर्पित किसको है। जैसे अपना बात करी थी उन्होंने पिछले कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ बात अभी लिख लेते हैं वो भी अपन समर्पित, ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। भगवान आदिनाथ को। और अपने देख रहे थे विजय स्तंभ की, तो विजय स्तंभ है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। अपने इसके उपनाम देख रहे थे, उपनाम में अपनों ने देखा था विष्णु ध्वज, विष्णु स्तंभ। तो ये विष्णु स्तंभ नाम इसका इसीलिए है क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है।
ये अपने को ध्यान में रखना है। कीर्ति स्तंभ के बारे में इतनी फैक्ट है जो अपने को अच्छे से ध्यान में रखने हैं। विजय स्तंभ के बारे में ये हो गया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़, जिसको अपन मेवाड़ की आंख के नाम से भी जानते हैं। जब मेवाड़ के ऊपर कोई भी संकट आता था तो यहाँ के राजा अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर शरण लिया करते थे। तो इसे मेवाड़ का शरणगाह है, किला या दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भव्यता देखते हैं अपन। इसकी भव्यता इतनी शानदार है और ये इतना विशाल बना हुआ है, इसकी दीवारें भी इतनी विशाल बनी हुई है कि चीन की दीवार के बाद में ये दूसरी विश्व की महान दीवार है। अंतरिक्ष में देखने पर एक तो चीन की दीवार दिखाई देती है और एक अपने ये कुंभलगढ़ की दीवार ये दिखाई देती है। इस दीवार की ये खासियत है कि ये तो एक तो 37 किलोमीटर लंबी है, 37 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी। तो 7 मीटर चौड़ी होने के कारण इस दीवार के ऊपर एक साथ 4 घुड़सवार हैं वो दौड़ सकते हैं। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग बना हुआ है, और ये इतनी पहाड़ी पर बना हुआ है इसको जीतना लगभग नामुमकिन भी है। उसके बाद में भी इतनी ऊंचाई पर बना हुआ किला है कि इसके बारे में एक कहावत है कि इसे नीचे से अगर कोई पगड़ीधारी व्यक्ति ऊपर देखे तो उसके सिर की पगड़ी नीचे गिर जाएगी। ये अबुल फजल ने कहा था अपने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ही। ये कहावत है जो बनी हुई है कुंभलगढ़ दुर्ग के। ये ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अपन नोट डाउन कर लेते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग, सबसे पहले अपन कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग, इसके उपनाम कुछ बात करी थी अपनों ने, मेवाड़ का संकट मोचक किला, मेवाड़ का संकट मोचक किला, फिर अपनों ने बात करी थी मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। उसके बाद में जब अपनों ने बात कर रहे थे विजय स्तंभ की, तो कर्नल टोड का नाम आया था। तो कर्नल टोड इस किले के भी अवश्य कुछ ना कुछ नाम देंगे। उन्होंने बोला था कि एस्ट्रून दुर्ग के समान है। एस्ट्रून दुर्ग कर्नल टोड के द्वारा बोला गया था। बाय कर्नल जेम्स टोड। अपन बात करें इसके निर्माण की, तो राजा संप्रति ने सर्वप्रथम इसका निर्माण करवाया था। माना जाता है कि राजा संप्रति ने तीसरी शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में समय के साथ जब ये जीर्ण शीर्ण होने लगा तो इसका पुनरुद्धार है वो 15वीं सदी के अंदर महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो इसके निर्माण के बारे में ये फैक्ट है जो अपने को ध्यान में रखने हैं। निर्माण राजा संप्रति द्वारा, तीसरी सदी में। उसके बाद में महाराणा कुंभा के द्वारा, पंद्रहवीं सदी के अंदर। ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर बात करें अपन इसके वास्तुकारों की, अगर अपन बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग के, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार हुए हैं मंडन। मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तु स्थापित किया था। उन्हीं के
मार्गदर्शन के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग का जो पुनरुद्धार महाराणा कुंभा के समय हुआ था, मंडन एक बेहद ही विद्वान थे। जब महाराणा कुंभा को माना जाता है कि विद्वानों के आश्रयदाता थे, तो इनके दरबार के अंदर खूब विद्वान रहा करते थे। मंडन भी उनमें से एक विद्वान है। मंडन मंडन के साथ मंडन के भाई, मंडन के पुत्र, पूरा परिवार ही विद्वान था और जो महाराणा कुंभा की शरण में रहता था। अपन बात करें मंडन के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों की बात करें, अपन साथ के साथ कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये लगभग हर परीक्षा के अंदर पूछा ही जाता है। कुंभा और कुंभा के विद्वान, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, तो ये अपन साथ के साथ लिख लेते हैं। मंडन के द्वारा पुस्तकें, राजवल्लभ है मुहूर्त माला, मंडन के बाद में अपन बाद में बात करें मंडन के भाई की, मंडन के भाई नाथा, तो नाथा की पुस्तक होगी वास्तु मंजरी। पुत्र की बात करें अपन, पुत्र गोविंद, पुत्र गोविंद की बात करें तो इन्होंने द्वारदीपिका, कलानिधि, उद्धार धोरणी, कलानिधि, द्वारदीपिका, उद्धार धोरणी, ये पुस्तकें जो लिखी थी, ये लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए अपन इसको साथ के साथ ही याद करते हुए चलते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके कुंभलगढ़ दुर्ग की कुछ विशेष फैक्ट की बात कर रहे थे अपन, तो फैक्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो फैक्ट देखते हैं। इसके प्रवेश द्वार, नौ बने हुए हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करी थी तो उसके प्रवेश द्वार सात बने हुए हैं, और बात कर रहे हैं अपन कुंभलगढ़ दुर्ग की तो उसके प्रवेश द्वार है वो नौ बने हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ने वहां पर मेरे को सब द्वारों के नाम लिखवाए थे, यहाँ पर अपन इसके नाम नहीं लिखे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। वहाँ पर तो अपने बाघ सिंह जी की, कल्लाजी जयमल राठौड़िया की और ये फतेह सिसोदिया के स्मारक बने हुए थे, इसलिए थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, नौ द्वारों के नाम अपने को याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रवेश द्वार नौ, फिर अपनों ने बात करी थी सबसे पहले 37 किलोमीटर लंबी दीवार, 37 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी दीवार, और इसी विशेषता के कारण इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। और अपनों ने बात करी थी चीन के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक साथ चार घुड़सवार, एक साथ चार घुड़सवार इस दीवार पर दौड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया जो अपने को अच्छे से ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा कुछ विशेष कथन है इसके बारे में, जो उन्होंने बात कर रहे थे कथन की कि ये दुर्ग इतना ऊंचाई पर स्थित है कि पगड़ीधारी व्यक्ति अगर नीचे से ऊपर देखे तो उसके सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। यह कथन अबुल फजल के द्वारा कहा गया था, जो अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है।
भाई अब्बुल फजल, अबुल फजल के द्वारा कहा गया है, ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि पगड़ीधारी व्यक्ति इसे नीचे से ऊपर देखे तो उसके सिर की पगड़ी गिर जाएगी। और विशेष फैक्ट जो अपने को ध्यान में रखना है, महाराणा प्रताप का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था, और महाराणा प्रताप से पहले 1482 में महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का जन्म, और 1482 के बाद में 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में, कुंभलगढ़ पूछा जाए अपने को परीक्षा के अंदर, दे दें कुंभलगढ़ तो कुंभलगढ़ हो जाएगा, कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ दे दें तो कुंभलगढ़ के अंदर ये किला है, एक जगह उसको बोलते हैं कटारगढ़, और इसी कटारगढ़ के अंदर स्थित है बादल महल, उसी में इनका जन्म हुआ था, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके अलावा विशेष इमारतों की अगर अपन बात करें तो विशेष इमारतों के अंदर मामा देवकुंड, इमारतें या अन्य फैक्ट, मामा देवकुंड, मामा देवकुंड, फिर ये मामा देवकुंड का देखते हैं, यहां से कुंभा को उसके पुत्र ने उद्दानी गिराकर मार दिया था। इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। मेवाड़ का पितृहंता उदा को कहा जाता है, उन्होंने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या मामा देवकुंड से ही की थी। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर, और झाली बावड़ी है, झाली रानी बावड़ी स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने को ध्यान में रखनी है। फिर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जब अपने मेवाड़ की और अपने दिल्ली सल्तनत के मध्य युद्ध चल रहा था तो उसमें अकबर के सेनापति शाहबाज ने 1577 में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ये एक अच्छा फैक्ट है अपने को ध्यान में रखना है, 1577 में। मुगल सेनापति शाहबाज ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जो अपने को अच्छे से ध्यान में रखने हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। अब अपन बात करें आज की क्लास में, अपनों ने समरी के अंदर थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें पढ़ी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़, जिसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, किलों का सिरमौर कहा जाता है, किलों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार, और जिसका नाम खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है जिसके अंदर कृषि की जाती है, इसके अंदर कई इमारतें स्थित है जैसे एकलिंग जी का मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, मोक्कल का समिधेश्वर मंदिर,
इसके अंदर जैन कीर्ति स्तंभ स्थापित है और विजय स्तंभ स्थापित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1537 सारंगपुर युद्ध जीत के उपलक्ष्य में किया था। ये सब बातें करने के बाद में उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करी थी, जिसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी या मेवाड़ का संकटकालीन किला कहा जाता था। मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण 3री सदी में महाराजा संप्रति ने करवाया था और 15वीं सदी के अंदर पुनरुद्धार महाराणा कुंभा ने करवाया था। अपनों ने बात करी थी इसके वास्तुकार मंडन की, जिनकी दो पुस्तकें राजवल्लभ और मुहूर्तमाला इंपॉर्टेंट है। फिर बात करी थी अपनों ने भाई नाथा की वास्तु मंजरी और पुत्र गोविंद की कला निधि द्वार दीपिका और उद्धार धोरिणी। फिर दीवार की बात करी थी अपनों ने, दीवार इसकी इतनी 37 किलोमीटर लंबी और लगभग 7 मीटर चौड़ी है, जो चीन की दीवार के बाद में दूसरी सबसे बड़ी दीवार है और भारत की महान दीवार है, जिस पर एक साथ 4 घुड़सवार दौड़ सकते हैं। इसी के साथ अपनी आज की क्लास पूरी होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन जानेंगे अन्य किलों के बारे में, अन्य दुर्गों के बारे में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।